वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, और साथ में उनके चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा, और ये एक जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सब देख सकते हैं। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज करना है। सो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर डी एफ ओ पी क्यू या वाई है, तो आपको ग्रुप 1 या पायल 1 चूज करना है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए बी सी एल एम एन या एक्स है, तो आपको ग्रुप 2 या पायल 2 चूज करना है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एल जे के यू वी या डब्ल्यू है, तो आपको ग्रुप 3 या पायल 3 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर जी एच आई आर एस टी या जेड है, तो आपको ग्रुप 4 या पायल 4 चूज करना है। देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, तो ज़रूर से ज़रूर आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। बाकी डिटेल्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। अभी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स बंद हैं। जैसे ही अपॉइंटमेंट बुकिंग्स फिर से रीओपन होंगी, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की 2 आईडीज हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर डी ई एफ ओ पी क्यू या वाई है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और उनके तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। एनर्जाइज्ड स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। तो चलिए देख लेते हैं। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। Eight of Swords, and then we have Queen of Wands. बोला रख से वी हैव जजमेंट। ये सारे साइन सारे राशियों के लिए है। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। विद एट ऑफ कॉइन्स, आपके जो पर्सन हैं करेंटली बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन वो एफर्ट्स रंग नहीं ला रही है। तो हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, तो कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहे हैं ताकि वो आपके तरफ आएँ, या फिर आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, या फिर आपके साथ रीयूनियन कर लें, या चीज़ों को क्लियर करें, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। इनको लग रहा है कि ये इतना मेहनत करने के बावजूद या एफर्ट डालने के बावजूद किसी भी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, आपके कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और ना खुद किसी एक सिचुएशन से निकलकर आपके करीब आ पा रहे हैं। तो खुद को बहुत ज़्यादा अटका हुआ सा ये इंसान फील कर रहे हैं करेंटली। करेंटली इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ करने के बाद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन, हो सकता है कि एफर्ट्स डाल रहे हैं ये इंसान,
या इन्होंने ट्राई किया था आपसे बात करने का, कॉल करने का, या फिर आपसे मिलने का, या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके से हो सकता है कि आपको नहीं पता कि उन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाया है, लेकिन हो सकता है कि वो अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स ज़रूर लगा रहे थे ताकि वो आपके पास आ पाए, आपके करीब आ पाएँ, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें उन्हें रोक रही है, पीछे खींच रही है, जितना वो आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब भी कुछ चीज़ फिक्स नहीं हो पा रही है। ओके, विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे लग रहा है कि आपके किसी बिहेवियर से हो सकता है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, हो सकता है कि आपने इस पर्सन को इग्नोर किया है, या फिर हो सकता है आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन की ओवर थिंकिंग है, आगे मैं बात करूंगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा सता रही है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर इस पर्सन ने कोई भी गलती की, उस चीज़ का अंदाज़ा इस पर्सन को डेफिनेटली है, और बहुत ज़्यादा उदास हैं। मुझे लगता है कि इस पर्सन को अपनी पास्ट बार बार याद आती है, आपके साथ आपके कनेक्शन में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं वो बार बार इस पर्सन को याद आ रही है, रिकॉल हो रही है, और बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी से भी कहीं ना कहीं रूठे हुए से हैं ये इंसान करेंटली। विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, मुझे लग रहा है कि करेंटली करेंट डेज में ये इंसान बहुत हेवीली सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, और इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं कि सेल्फ इम्पोज थाट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक लेते हैं, या इनको लगता है कि इनके बस में कोई बात नहीं है, या फिर ये शायद आपके पास जाएंगे तो आप उन्हें एक फूल समझोगे, या फिर आप समझो आप उनका मजाक उड़ाओगे, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। ठीक है, आप हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करो, लेकिन हाँ, इस पर्सन की ये ओवर थिंकिंग है। ओके, ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर हो सकता है कि ब्लॉकेजेस नहीं है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, ये शायद मेहनत करेंगे तब भी आपके साथ कुछ ठीक नहीं होगा, तब भी आप उन्हें अपनाओगे नहीं, 10 बातें सुना दोगे, या चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, चेंज नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, मन इनका बहुत उदास है, दिल से ये बिल्कुल खुश नहीं है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा रूठे रूठे से हैं, दुखी हैं, स्टक फील कर रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके ये इंसान अपने ऊपर फोकस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर में बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, दुखी ना हो, या इनको रोने का मन हो रहा है लिटरली, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं ताकि अपने लाइफ में अपनी चीज़ों पर फोकस कर सकें और अच्छी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान प्रिटेंडिंग एनर्जी में बहुत है, जहाँ पे अगर आप इस पर्सन को फेस टू फेस देखोगे या ऑनलाइन देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत खुश है और इस इंसान को कुछ भी इशू नहीं है और ये इंसान शायद हमें भूल चुके हैं, लेकिन दरअसल ऐसी बात नहीं है, इसका उल्टा पूरा हो रहा है इस पर्सन के पर्सनल लाइफ में, और जब बात आ रही है आपके साथ। ओके, सो ये इंसान शो कुछ कर रहे हैं लेकिन इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है, मतलब दिलो दिमाग में इनके तूफान आया हुआ है जो सिर्फ इन्हीं को पता है, ना ये किसी को बता पा रहे हैं, और इनको लग रहा है कि कुछ सोल्यूशन इस चीज़ का कभी नहीं निकल सकता, ऐसी वाली एनर्जी में ये इंसान डेफिनेटली है। ओके, ईश्वर पर ये इंसान विश्वास कर रहे हैं करेंटली, एक बस मौका चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं भगवान की तरफ से ताकि इनको कोई रास्ता मिले आपके तरफ आने का, या ताकि जो ये एफर्ट्स डालते हैं या डालने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं डालना, वो ये सही से डाल पाएं और वो एफर्ट्स आपको दिखे कि हाँ, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये इंसान आपको वापस चाहते हैं किसी भी हाल में। ओके, सो एक सही मौके का, एक चांस का ये इंसान ईश्वर से, ऊपर वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि बस आप दोनों के रिश्ते में किसी भी तरीके से एक मिराकल हो जाए। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। We have transformation, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. So देखिए, आप दोनों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अभी आप दोनों का रिश्ता ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पर है और आपके पर्सन भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, नो मैटर कितनी तकलीफें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और आप दोनों का रिश्ता भी मुझे लग रहा है कि समय के साथ और भी ज़्यादा डीपर होता जाएगा, यूनियन बहुत जल्दी हो सकता है, या किसी भी तरीके से आप दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज आप दोनों के रिश्ते में प्यार डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से करते हैं, तो जब प्यार करते हैं तो ये प्यार ही जो है आप दोनों के सिचुएशंस को भी बदलेगा बहुत जल्द। तो अभी अगर नेगेटिविटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्टकनेस हैं, तो ये बहुत जल्दी हटेगा, आप दोनों मिलोगे, आपकी यूनियन होगी, बातचीत शुरू होगी, सब कुछ ठीक होगा। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
फ्रेंडशिप नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव. सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच की फ्रेंडशिप बहुत जल्द बढ़ने वाली है. फ्रेंडशिप की यहाँ पर कमी है, हो सकता है ईगो है, पावर स्ट्रगल्स हैं, और जो फ्रेंडशिप जो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए वो हो सकता है लैक करती थी आपके रिश्ते में. तो एक शुरुआत होगा आपके कनेक्शन में, फ्रेंडशिप होगा, हो सकता है आप दोनों ज़्यादा बात करने लगोगे, कैजुअल तरीके से थोड़ा कंटिन्यू करोगे कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक, और फ्रेंड्स की तरह रहोगे, घूमोगे, एक दूसरे से मिलोगे, इंजॉय करोगे. सो फ्रेंडशिप आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर आने वाला है, और उसकी वजह से ही आपका लव लाइफ और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और आप दोनों बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर रियलाइज़ करोगे कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और जितने भी एनर्जीज हैं नेगेटिविटीज से रिलेटेड वो यहाँ पर हटेगी. सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस आपके लिए. लेट्स सी. वी हैव आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़. ये इंसान वापस आना चाहते हैं, बट इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कि आप उन्हें अपनाओगे या नहीं. ओके, I want a new start with you cause I get emotional when I think of you. Definitely new beginning तो चाहते हैं, because बहुत परेशान हो जाते हैं, emotional हो जाते हैं, triggered हो जाते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं या आपको देखते हैं या फिर कुछ भी नहीं लगता है आपसे related. I will marry you and then you have to tolerate me forever. तो ये हो सकता है आपको शादी करना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कैसे अप्रोच करें, कैसे क्या करें, और उनको लगता है कि शायद इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है लाइफ में. ओके, बट स्टिल देन ये आपको अपना बनाना चाहते हैं. I want to go on a date with you. I want to gift you as much as I can. तो हो सकता है कि इंसान कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको सरप्राइज़ देने के लिए, आपको डेट पे लेकर जाने के लिए, आपको गिफ्ट्स देने के लिए. ओके, सो मन में इनके कहीं ना कहीं चल रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट भी करेंगे. सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. साथ में क्लेम जरूर कीजिए रीडिंग को, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें एंजल्स को कमेंट सेक्शन में. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय 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 एवरीवन. हेलो पाइल नंबर टू, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए बी सी एल एम एन या एक्स शुरू होता है तो देख लेते हैं कि उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, चैनल मैसेजेस क्या है, आपसे क्या कहना चाहते हैं, फ्यूचर क्या होगा, सब देखेंगे. सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज. ओके, जिस भी वक्त आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा. एनर्जाइज स्टोन सिस्टर्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सो प्लीज़ चेक. तो चलिए देख लेते हैं, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें. We have four of cups. Three of cups. Okay, we have eight of swords. Seven of coins. Bottom deck, we have six of swords. तो गाइज, ये जो रीडिंग है ये सारे साइंस सारे राशियों के लिए है. ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देखिए. विद द फोर ऑफ कप्स आपके जो पर्सन है मुझे कंफ्यूज्ड एंड लाइफ से डिससेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं. इस पर्सन को करेंटली समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या डिसीजन लें, क्या सोचें, क्या समझें, या किस तरीके से प्रोसीड करें. सो आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर इस वक्त कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड है. हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ऑलरेडी कॉल किया है, टेक्स्ट किया है,
या फिर आप मिलने भी गए थे, तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है रिसेंटली आपने की है, बट स्टिल देन इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें रिप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, इनका करना सही होगा या नहीं होगा. सो काइंड ऑफ मुझे नहीं लग रहा है कि करेंटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं दिल से आपको, या मतलब बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स इनके ऊपर हावी है. करंट की मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है कि लाइफ में चिल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हो सकता है इनके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, या फिर इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. सो लीस्ट इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए इंसान आपको और आपके रिश्ते को दे रहे हैं. करंटली करंट फीलिंग्स हैं ये. ओके, ये चेंज हो सकती है, सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट या अभी के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है. और अगर आपने कॉल टेक्स्ट किया और इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, अगर इन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं देखा है आपको कॉल करते हुए, मैसेज करते हुए, बट दे इग्नोर्ड यू विलिंगली. और इसी वजह से इन्होंने किया, बिकॉज दे आर डिसइंटरेस्टेड. मतलब इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. एक होता है ना कि जब कोई प्यार करने वाला हमें कॉल मैसेज करता है तो हमारे अंदर एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही एक्साइटमेंट आता है. बट इन दिस केस आपके पर्सन को वो चीज़ नहीं है, बिकॉज ये इंसान अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं, इनके लाइफ में ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और दे आर गुड विथ इट. करंट की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है. और एक एनर्जी मुझे ये भी नज़र आ रही है कि इंसान कन्फ्यूज तो है आपको लेकर, इनको पता तो नहीं है कि क्या करना चाहिए, बट कभी इनके मन में आता है कि इनको आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ मिलना है, ओके, और आपको कमिट करना है. और फिर दूसरे ही वक्त इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस हैं जिनको ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं, आराम से जी सकते हैं लाइफ को, तो बेवजह की टेंशन क्यों पालना, ठीक है. तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं थोड़े से टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है, या नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत. मतलब हमेशा अपना सोचना, अपने अकॉर्डिंगली चलना, और टॉक्सिक पैटर्न्स लाइफ के, ठीक है. सो ये एनर्जी डेफिनेटली नज़र आ रही है. मतलब बस अपनी अपनी बेनिफिट देखना, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज करंटली ये पर्सन आपके कनेक्शन को लेकर कन्फ्यूज हैं. इनको कभी लगता है कि आपके साथ आकर चीज़ों को ठीक करना चाहिए या कमिटमेंट देना चाहिए, और कभी कभार इनको दिल से लगता भी है कि ये आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं और ये आपके साथ ही ज़िंदगी बिताएंगे, ठीक है, लेकिन चीज़ों को वेटिंग में ही रख देते हैं, और उसमें उस पर्सन को फिर कुछ इंटरेस्ट नहीं आता, या फिर ऐसा नहीं लगता कि नहीं, दिस इज़ अ हाई टाइम नाउ, मुझे कुछ करना चाहिए या मुझे कुछ डिसीजन लेना ही होगा इस रिश्ते को लेकर. तो बीच में लटका के रखते हैं आप दोनों के सिचुएशन को, और आपको भी कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज आ रही है. ओके, ये एनर्जीज है, क्योंकि जब इनके लाइफ में हैप्पीनेस रहता है, जब ये चिल करते हैं, तो ये पूरी तरीके से आपके कनेक्शन को, आपको एक साइड कर देते हैं. ओके, फिर उनको लगता ही नहीं है कि दे नीड यू और यू आर मिसिंग देम. बट जब इनके लाइफ में सारी सारे मज़े ख़त्म हो जाते हैं, तब इनको आपकी याद आती है, ओ ओ ओ ओ ही और शी इज़ वेटिंग फॉर मी, आई शुड गो, तभी आपके पास आते हैं. तब हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट मिलता है इनका, तब हो सकता है कॉल आता है इनका, तब आता हो सकता है कि ये मिलने आते होंगे. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप भी रियलाइज़ करती हो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ये इंसान रहते हैं. तो जब इनके लाइफ में कुछ रहता नहीं है, कुछ अच्छा एक्साइटमेंट नहीं रहता लाइफ में, एक्साइटिंग करने को कुछ नहीं रहता, देन दे कम टू यू टू फुलफिल ऑल देयर नीड्स, डिजायर्स, एक्सेट्रा. आई डोंट नो ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी. ओके, हो सकता है कि रेजोनेट ना करे बहुत लोगों के लिए, चांसेस आर देयर, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, इट्स नॉट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग. ओके, बट यस, ये एनर्जी मुझे डेफिनेटली यहाँ पर पिक हो रही है. तो कभी कभार डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आने का सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली कम बैक करने का सोचते हैं, लेकिन बस सोचते ही हैं, सोचने से ज़्यादा कुछ नहीं करते. और जब इनकी सोच इस तरीके से आती है, अपने आप को रोक लेते हैं और कुछ दूसरी चीज़ पे फोकस करने लगते हैं. तो आपका जो प्यार है, आपके जो एफर्ट्स हैं, अगर आप डालते हो, अगर बार बार कॉल करना, मैसेज करना, समझाना, वेट करना, ये सब आप करते हो, इस पर्सन को थोड़ा सा भी रियलाइज़ नहीं होता, बिकॉज ये इंसान खुद से इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते आपको. अभी ये जिस भी हालत में हैं, उस हालत में ये रहना चाहते हैं, और अभी उनको कुछ फ़र्क भी एज सच नहीं पड़ रहा. लेकिन हाँ, ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, ये इंसान आपके कनेक्शन को लेकर सोचते हैं, ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं, कभी कभार इनको लगता भी है कि फ्यूचर आपके साथ ही है इनका, बट स्टिल देन बीच में लटका कर रखना, मतलब ठीक है ऐसा है तो ऐसा है, देख लेंगे, ऐसे इनकी करंट की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है. ओके, और करंट फीलिंग्स इंसान की चेंज हो ही सकती है, हो सकता है एक सिचुएशन की वजह से, एक इवेंट की वजह से, या फिर एक थॉट की वजह से भी इंसान की पूरी फीलिंग बदल सकती है, ठीक है. लेकिन अभी के लिए मुझे इसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, कि वेट करना चाहते हैं,
चीज़ों में कुछ मूवमेंट्स नहीं चाहते, बस वेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कैसे अपने आप चीज़ें इनके लिए हो जाती हैं, कैसे मैजिक हो जाता है, जो कि जाहिर सी बात है इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज जब तक हम कुछ एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक वो चीज़ नहीं होगी, इजंट इट। हम अगर खाना नहीं बनाएंगे तो हम बैठ कर एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि खाना अपने आप हमारे पास आ जाए और हम खाना खा लें और हमारा पेट भर जाए। ओके, सो इसी माइंड सेट में ये इंसान गुजर रहे हैं। सो अभी के लिए अगर आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो और स्टिल देन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आपको और ज़्यादा जलील होने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी प्लीज़। ओके, बिकॉज कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप ऐसा कर रहे हैं। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। सेक्सुअल यूनियन ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लीस। सो देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्सन को फिजिकल कनेक्शंस या आप फिजिकली उनके लिए प्रेजेंट रहो, ये इस पर्सन के लिए बहुत मैटर करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, ऑनलाइन डेटिंग में हैं, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप दोनों पास हो ही नहीं फिजिकली, सो इस चीज़ को आगे बढ़ाना या बात करना, कनेक्शन को आगे बढ़ाना का कोई मतलब नहीं होता। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग वेरी रैशनली। ओके, सो मुझे लगता है कि आप दोनों का यूनियन तो होगा, लेकिन उस यूनियन को होने के लिए ये इंसान तभी मेहनत करेंगे जब आप उनके पास रहोगे, जब फिजिकली आप दोनों करीब रहोगे और जब आप दोनों के बीच में कोई जियोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं रहे। ठीक है, तो जब हो सकता है कि आप उनसे दूर ना रहो, आप दोनों सेटल हो जाओ कहीं या पास रहने लग जाओ, तब ये एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे, तब ये डेट करना शुरू करेंगे अच्छे से, या तब ये अपना लव इमोशंस ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ऑनलाइन डेटिंग करते हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, या फिर देखा है तो बस एक दो बार देखा है दूर से वो भी, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। इनको चाहिए कि कोई पास रहे, साथ रहे और फिजिकल कनेक्शंस बने। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। अगेन, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा आई गेस। ठीक है, लेकिन यही मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो यूनिवर्स हो सकता है किसी ना किसी को डेफिनेटली मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, जिसके वजह से यही चीज़ें यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा worried हैं अपने life को लेकर, आपको इस person के अलावा कोई पसंद नहीं है, आप हो सकता है socialize नहीं करते हैं, friends आपके कम हो चुके हैं, या फिर आप अकेले अकेले रहते हैं, टेंशन में बहुत रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, तो प्लीज़ इस एनर्जी को चेंज करें। अपने आइज़ को बंद करें और सोचें कि आप बस हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, और देखिए कि कैसे हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है। तो प्लीज़ अपने हैप्पीनेस को ब्लॉक ना करें ओवर थिंकिंग करके, टेंशन में आकर, या कुछ भी सोचकर। ठीक है, क्योंकि आप जो भी सिचुएशन में हो वो मैटर नहीं करता, आप अपने लिए क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि आप डिजर्विंग हैं, उस चीज़ के बारे में अगर आप सोचेंगे तो वो चीज़ आपके लाइफ में आएगी। ठीक है, तो ये आपको गाइडेंस मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए आपको भी थोड़ी सी इन्जॉय करने की ज़रूरत है, अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है, इस नेगेटिविटी से निकलने की ज़रूरत है और चिल करने की ज़रूरत है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं अपने लाइफ को लेकर। अपने इनर चाइल्ड को ज़रूर से ज़रूर हील करें आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के लिए टाइम निकालें, खुद के हैप्पीनेस के लिए करें, घूमें फिरें। ओके, या तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की चैनल मैसेजेस। वी हैव आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर। तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं और ये बस आपको दुख ही देते हैं, उससे ज़्यादा ये कुछ आपको दे नहीं पाते। तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूँगा या रहूँगी। तो डेफिनेटली पाना तो चाहते हैं जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन बहुत लेज़ी इंसान है, बहुत लेज़ी। इनको लगता है कि इनके हाथों हाथ कुछ लग जाए तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ये दूरियाँ मैंने मजबूरी में बनाई, येस आई वॉज सेल्फिश। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान सेल्फिश है ही। ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए सबसे पहले चीज़ों को करते हैं, दूसरे का नहीं देखते। आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। तो हो सकता है बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन आपको वेटिंग में रखकर, आपको पेन देकर इस पर्सन को हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, खुद की ईगो को सेटिस्फाई करते हैं ये इंसान। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू। हेलो पाइल नंबर 3,
अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर LJKUV या W से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, डिटेल में देख लेंगे, फ्यूचर भी देख लेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके सो लेट्स सी गाइज। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। इनर चॉइस स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, फोकस बनाकर रखिए गाइस अपने पर्सन के ऊपर, ताकि फीलिंग्स जो है एक्यूरेटली पता चले कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस पर्सन इज मिसिंग यू गाइज, दिस पर्सन इज रियली रियली मिसिंग यू। थ्री ऑफ कॉइन्स, आई थिंक आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आपको भी कोई रोकता है और हो सकता है आपके पर्सन को भी कोई रोकता है, या बैड इन्फ्लुएंस है किसी का, जरूरी नहीं बट हाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली। किंग ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज लुकिंग एट यू। ओके दैट्स नाइस एक्चुअली। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बोर्ड ऑफ वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। यस सो गाइस ये जो रीडिंग्स हैं ये सारे साइंस सारे राशियों के लिए हैं। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, सबसे पहले चीज़ आपको बताना चाहूंगी, इस पर्सन का फोकस ध्यान आपकी तरफ है, आपकी तरफ है, बट आपका ध्यान कहीं और है। ओके सो इसका मतलब ये है कि आपका भी ध्यान तो इन्हीं की तरफ है, क्योंकि आप अगर रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी यही बात है कि आप भी उनके ऊपर फोकस्ड हैं। बट ये प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, मतलब आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप गायब भी हो इनके लाइफ से। सो हो सकता है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो, या फिर हो सकता है सही में आपने अपने एनर्जी में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाया है, आप पहले से बहुत ज़्यादा करेजियस बने हैं, पहले से बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में आए हैं। इंडिपेंडेंट मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पैसा कमाना नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब जहाँ पे आप खुद के इमोशनल स्टेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, जहाँ पे आप लोगों पे डिपेंड नहीं करते हो कि कोई हमें प्यार दे दे तो हम खुश होंगे, कोई हमारे लिए कर दे तो हम खुश होंगे। ओके सो इंडिपेंडेंस का मतलब ये भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चेंज डेफिनेटली आया है और इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। चांसेस ये भी है कि आप पहले इस पर्सन को बहुत चेस करते थे और बहुत मस्का लगाना ऐसी वाली एनर्जी थी, बट हो सकता है कि अभी आप बिल्कुल भी उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपने अपने सोल पर्पस को पहचान लिया है और आपको लगता है कि नहीं अभी खुद के लिए स्ट्रांग बनना जरूरी है, इस तरीके से कुछ नहीं चल सकता। सो ये वाली चीज़ आपके पर्सन को करेंटली बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने ना इम्पैक्ट करी है। द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है ये इंसान। ओके और अगर ये पर्सन खुद आपसे दूर गए थे, खुद इन्होंने सेपरेशन किया था, तो इनको लग रहा है कि मैंने क्या गलती कर दी, मतलब मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी और मैंने क्यों की, मैंने इतना गलत डिसीजन क्यों ले लिया। तो कुछ तो पछतावे में ये इंसान करेंटली डेफिनेटली है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आइसोलेटेड है, मतलब रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, या फिर जब अपने रूम में आते हैं तो बहुत अकेला महसूस करते हैं, खाली खाली सा महसूस करते हैं, आपके यादों में डूब जाते हैं, बार बार आपका ख्याल आता रहता है। और अगर इन्होंने कुछ गलतियाँ की थी, इनके कुछ मिस्टेक्स रहे हैं ना, तो उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना कि मैंने क्यों कर दिया था ऐसा, मतलब क्या हो गई, मतलब मेरे अंदर क्या हो गया था कि मैंने ऐसा ऐसा बर्ताव कर दिया या ऐसे बिहेवियर मैंने कर दिया। सो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओके और उनका फोकस पूरी तरीके से आपकी तरफ है, पूरी तरीके से आपकी तरफ है, ठीक है, वो कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं आपके साथ। ओके लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है, मतलब इस तरीके से है कि जब कुछ इनिशिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर करते हैं, तो थोड़े से क्लेवर पर्सन नज़र आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से है कि मैनिपुलेट करना इनको आसानी से आता है। और जब ये आपके पास आएंगे तो ये चाहते हैं कि इनको जीत हासिल हो, मतलब जिस इंटेंशन से ये आएंगे, अगर ये चाहेंगे कि ये आपको रियूनियन करवाना, तो ये चाहेंगे कि आप मान ही जाओ, बस आप मना ना कर दो, कहीं आप इग्नोर ना कर दो, इनकी बेइज्जती ना हो जाए। तो ये ऐसे इंसान है, तो पूरा फोकस इस पर्सन ने आपकी तरफ बना कर रखा है। और मुझे लग रहा है कि सही में बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि आप अपने लाइफ में इंजॉय ज़रूर कर रहे हैं, आपके लाइफ में नेगेटिविटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप खुश हैं, खुश रहने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स रियली ग्रेट।
ये अगर आप सही में कर रहे हैं अभी, मुझे नहीं पता कितने लोग कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप कर रहे हैं इस तरीके के कि आप खुश रह रहे हो अपने से, आप अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो, ढूंढ नहीं रहे हो, तो यू आर डूइंग अ रियली रियली गुड जॉब गाइस, ओके। और यही चीज़ आपके पर्सन को देख करना, आपके पर्सन को लग रहा है कि ये क्या हो गया, ठीक है, यही यही मेन बात होती है, ठीक है। जब हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम पूरा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब हम उनसे अलग हो जाते हैं और जब हम अपने ऊपर फोकस करने ज़्यादा लगते हैं तब रियलाइजेशन होता है, ओके। तो ऐसे ही आपका सीन हो रहा है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों सेपरेटेड कपल्स हो, ठीक है, लाइक मैरिज के बाद सेपरेशन पूरा हो चुका है, तब भी मुझे लग रहा है कि ये कमबैक करना चाहते हैं, फिर से घर बसाना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है क्या, बिकॉज अगर आप लोग शादी के बाद सेपरेट हो चुके हैं तो कैसे पॉसिबल होगा कि फिर से आप दोनों घर बसाएं, ठीक है। लेकिन हाँ, फोकस तो है, चाहते तो हैं कि कुछ भी करके बस इनको आपके तरफ आना है, ठीक है, श्योर बहुत है अपने इंटेंशंस को लेकर, फोकस्ड भी हैं, आपके ऊपर ध्यान भी रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कैसे हो, किससे बात करो, नहीं करो, जितना इनसे हो सके ये पूरी तरीके से जानने की परखने की कोशिश कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी बातचीत इस पर्सन के साथ हो रही है, कम्युनिकेशन आपकी हो रही है, बट आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखा है। आप हो सकता है बहुत नॉर्मली बात कर रहे हो, बहुत कैजुअली, मतलब हवे हवे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, आधा अधूरा बात कर रहे हो और आप जानबूझ के कर रहे हो, ओके। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है, बट यस डेफिनेटली ये इंसान तो आपके ऊपर ही पूरी तरीके से फोकस्ड हैं और फिदा भी हैं और आपके पास आना चाहते हैं, अगर कोई भी सेपरेशन वगैरह हुआ है तो, ठीक है। चलिए अभी कार्ड्स देख लेते हैं। के वी हैव माय बिलव्ड, तो वी मे बी फिजिकली अबाउट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांजिशन स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग, ओके। सो आपके पर्सन मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ही बने हों और नो मैटर कितनी प्रॉब्लम्स आए, नो मैटर कोई भी बीच में आ जाए और नो मैटर कितनी भी दूरियाँ हैं, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों दूर तो हैं एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा जियोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं है आप दोनों के बीच में, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलना आपने बंद कर दिया है या फिर कभी भी आप दोनों यू नो एक दूसरे को देख नहीं पाते हो, अभी ऐसी सिचुएशन आ गई, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होता है और ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, हमेशा आपको याद करते रहते हैं और इनको अपनी गलतियों का पछतावा भी है, अगर इन्होंने कुछ भी गलत आपके साथ किया था या फिर आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए थे, किसी और की बात मान ली थी, अभी इनको बहुत पछतावा हो रहा है। अगर इस पर्सन की इंगेजमेंट हो गई है किसी के साथ, ठीक है, तब भी इंसान बहुत पछता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, क्यों टाइम रहते इन्होंने मना नहीं किया और अब ये यू नो किसी और के साथ घर बसाने वाले हैं, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी आपको चाहते हैं, नो मैटर क्या सिचुएशन हो गया है, क्या सिचुएशन है, ये अभी भी आपको चाहते हैं और आपके बिना इस पर्सन की लाइफ में इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है जिंदगी में, ओके। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। जुड़े तो हो आप दोनों दिल से, ओके, ये एनर्जी तो आ रही है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेजेस बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों का कितना ज़्यादा प्यार है और ये इंसान आपसे सही में मोहब्बत करते हैं, चाहे कुछ भी हो गया हो, हो सकता है कि इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन ये अब रियलाइज़ कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी हो सकता है अगर नो कॉन्टैक्ट है और सेपरेशन है तो ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स एटलीस्ट आपको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, कि ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं जब आप इनसे दूर रहते हो। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो हो सकता है अभी लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टूडेंट भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, तो आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं बट चाहते हैं कि पहले इनकी लाइफ अच्छी हो जाए, ओके, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है ताकि आप दोनों खुश रह पाओ साथ में। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। तो डेफिनेटली प्यार बहुत है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते और मुझे लगता है कि इनको हर एक चीज़ में ही एक्सप्रेस करने में इश्यूज आते हैं, कम्युनिकेशन इशू इनको बहुत है, थॉट चक्रा की इनकी प्रॉब्लम है, ये कभी भी लोगों के सामने अपना स्टैंड नहीं रख पाते, लोगों के सामने मुँहफट इंसान नहीं है, ठीक है, कि जो मुँह पे आया बोल दिया, ऐसे इंसान नहीं है, बहुत सोच समझ कर बात करते होंगे, ओके, हर एक जगह में। आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ एंड आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एज वेल। तो डेफिनेटली डिसीजन तो नहीं ले पा रहे हैं, ओके, लेकिन फोकस है इनका, चुप हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अलग हो चुके हैं, आपके बारे में नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा सोचते हैं गाइस, ओके, लेकिन आपको दुख नहीं देना चाहते इस बार आप किसी भी हाल में। आई एम सो पैशनेट अबाउट यू एंड आई हैव इमोशनल एंड सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर यू।
तो ये देखिए थोड़ा सा रिवर्स में आया था, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे आपको इन सारी चीज़ें, कहीं आप उन्हें गलत ना समझ लें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है दिल में तो इनके बहुत ज़्यादा बातें हैं जो अभी भी आपको नहीं पता, और ये बहुत जल्द कन्फेस करने वाले हैं। सो कुछ लोगों के लिए सिचुएशनशिप भी हो सकता है ये। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल थ्री। हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर GHIRST या Z है तो देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है, फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का, और साथ में उनके चैनल मैसेजेस जो वो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर आप एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल चाहते हैं, टैरो क्लासेस चाहते हैं, तो आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। सो लेट्स सी गाइज, लेट्स सी, आई थिंक यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, इजंट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है। We have Queen of Swords. Okay. Ten of Cups. Wow. That's amazing. Six of Coins. Of cups, wow, can you see this guys? Wow. oh my god, wow. क्या मुझे अब रीडिंग करने की जरूरत है गाइज, आप बताइए। That's amazing. But on the next we have the fool. Oh my god. So guys, ये जो रीडिंग है ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ गाइज कार्ड्स को देखकर। Oh my god. देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन का ऐसा फील हो रहा है ना कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया है। इनको लग रहा है कि जो प्यार इनको देना चाहिए था, जितनी एफर्ट्स इनको डालनी चाहिए थी, या फिर इस रिश्ते में जितनी भी चीज़ें इनको करनी चाहिए थी, इन्होंने आपके लिए वो सारी चीज़ें कभी नहीं की। हो सकता है इन्होंने आपको कभी कमिटमेंट नहीं दिया, आपको वो दर्जा अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन ने अभी तक नहीं दिया होगा, ठीक है। जो प्यार इनको देना चाहिए था वो इन्होंने नहीं दिया होगा। हो सकता है बार बार इन्होंने ब्लेम गेम खेला हो, कंप्लेन किया हो आपको, या फिर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन दिया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको करनी चाहिए थी एज अ पार्टनर उन्होंने नहीं किया आपके साथ। तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत चेंज कर दिया, और जो चीज़ें इनको करनी चाहिए वो इस पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं दिया आपको। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि कहाँ पर इंसान गलत थे और कहाँ पर किस चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं बदल दिया। बिकॉज हो सकता है कि सही में आप इस पर्सन से के साथ जब कनेक्शन में थे तब बहुत अलग थे, और आप बहुत अलग हो चुके हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी हो सकता है बदल चुकी है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा पोलाइट थे, बहुत ज़्यादा लविंग थे, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन एंड बहुत ज़्यादा कोमल थे, लेकिन जब हो सकता है इस पर्सन ने आपको दुख दिया, या सेपरेशन हुआ, या नो कॉन्टैक्ट हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को आपने बहुत ज़्यादा एक मतलब अपने अंदर एक कठोरता आपने क्रिएट कर दिया। ओके, ये एनर्जी और डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस ही इंसान को चेंज करती रहती है, इज़न्ट इट? सो यही एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है कि आप मैरिड थे और आपके लीगल इश्यूज चल रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, ओके, या कुछ और इश्यूज हो सकता है। हो सकता है आप दोनों को फर्टिलिटी इश्यूज हैं, और आपके पर्सन ने कभी एफर्ट्स नहीं डाले उस चीज़ को ठीक करने के लिए, ओके, या फिर इंटरेस्ट शो नहीं किया, आपको वक्त ही नहीं दिया जो वक्त की आपको ज़रूरत थी, ओके। और इस वजह से हो सकता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है बहुत हद तक बेकार हो गई, फिजिकल कनेक्शन ही नहीं रहे थे आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे कुछ लोगों के लिए आ रही है। तो जो भी चीज़ है, इस पर्सन को अब रियलाइजेशन बहुत मोड़ पर हो रहा है, और अब ये इंसान फील कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि ये इंसान आपसे दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको पहले से ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनका बर्ताव, इनका बिहेवियर, इनके एंगर इश्यूज ने सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया, ठीक है।
कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही होती है कि प्यार तो करते हैं लेकिन सामने वाले इंसान को समझा नहीं पाते हैं कि प्यार करते हैं। ठीक है, तो प्यार तो इनके दिल में था आपके लिए, लेकिन हो सकता है कि इनके बिहेवियर इस तरीके से ही थी पहले से, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला। तो अब ये इंसान चाहते हैं कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो, और आपके साथ ज़िंदगी भर बिताना चाहते हैं। जितना हो सके, जितना इनके पास है, जितना ये कर सकते हैं, उतना ये इंसान करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये इंसान मुझे लग रहा है कि अब दिमाग से नहीं सोचने, अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं, और इनका दिल जो कह रहा है वो ये कर रहे हैं। इनका दिल कह रहा है कि इनको एफर्ट्स डालने चाहिए आपके रिश्ते में, जितना इनके पास है उतना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं अगर आप नॉन मैरिड कपल्स हो तो। जितना एफर्ट्स इनको डालना चाहिए एज अ लवर, एज अ पार्टनर, ये इंसान उतना आपके लिए करना चाहते हैं। बहुत प्यार करते हैं आपसे, करंटली ऐसी ही चीज़ें ये सोच रहे हैं कि आपको हैप्पीनेस देना है, आपको प्यार देना है, आपको वो रिस्पेक्ट, वो पोजीशन देना है इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने अब तक आपको नहीं दी है। तो रियलाइजेशन इस पर्सन को पूरा हुआ है कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इस पर्सन की ज़िंदगी में कितना है, और आपने इस पर्सन के लिए अब तक क्या क्या किया हुआ है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। ओके, सो इस पर्सन को लग रहा है कि अब इनकी बारी है कि ये इंसान वो सारी चीज़ों को रिटर्न करें और आपसे ढेर सारा प्यार करें, मोहब्बत करें, और आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लें। चाहे कुछ भी हो, मैरिड हो ना मैरिड हो, आप रीमैरिज हो, कुछ भी हो, अनमैरिड कपल्स हो, आप सेपरेटेड हो, सिंगल मदर सिंगल फादर हो, कुछ भी हो, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, वो इंसान आपको सब कुछ देना चाहते हैं इस वक्त, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे या क्लियरली आपसे आपको बोलेंगे, और सारी चीज़ें ये इंसान खुल के आपके सामने कहेंगे, अपोलॉजी भी मांगेंगे अगर इनको लगेगा कि हाँ वहाँ पर ज़रूरत है तो। ठीक है, ये पर्सन सही में आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके अंदर बहुत चेंज आया है। ठीक है, आपसे दूर होकर बहुत कुछ इन्होंने समझा है, और आपकी वजह से भी इस पर्सन की लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई है, जब आप दोनों साथ थे, अभी भी साथ हो तो। ठीक है, तो जो भी चीज़ है, इस पर्सन को लग रहा है नहीं, यू आर द वन। ओके, और ये आपको दुखी नहीं कर सकते, आपको इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकते। ओके, ये एनर्जी है, एक मैच्योरिटी इस पर्सन के अंदर मुझे यहाँ पूरी तरीके से नज़र आ रही है, चाहे कुछ भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तब भी। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, और भी कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। ओके, लेट्स सी। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में मुझे लग रहा है प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, जैसी भी सिचुएशन थी हुई है, क्रिटिसाइजिंग वाली एनर्जी बिल्कुल हट जाएगी। अगर अभी तक यू नो हेट्रेड है या कोसना है आपके पर्सन, अगर आपको गलत समझते थे, आप समझते थे, ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस आएगा आप दोनों के रिश्ते में, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और आप दोनों फिर से एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे इस तरीके से, भले कितने डिफरेंसेस हो, भले कुछ भी हुआ हो, आप दोनों पास्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के अंदर चेंजेस आए हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, आप दोनों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ता भी अब बहुत ठीक होगा अगर कुछ इश्यूज हैं तो। ओके, शादी वगैरह होगी आपकी इस पर्सन के साथ। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और ना हम उस पर उसको कोस सकते हैं, या फिर उससे कुछ अज्यूम कर सोच सकते हैं कि नहीं ये गलत था, या मैं गलत थी, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं और उसको पास्ट में ही मतलब रखना सही होता है, उसको जितना हम खींचते हैं ना, उतना हमारे लिए लाइफ जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो आपको भी यही बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट कर लीजिए पास्ट में क्या हुआ था, अपने पर्सन को मौका आप दे सकते हैं अगर आप दिल से चाहते हो उनके साथ रहना तो, और देख सकते हो कि इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं और सही में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना इमोशंस वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो जो भी चीज़ है, चाहे आप इनके साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट आप जो है एक्सेप्ट कर लो जो भी पास्ट में हुआ। ठीक है, उसको लेकर बैठना नहीं है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वी आर नॉट लकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी नहीं सोचना है आपको। हो गया हो गया, उसको लेकर रोना नहीं है, समय था हो गया, कोई बात नहीं, अब जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो पास्ट में जो भी हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी दुख है, उसको होना ही था कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो हो गया। तो प्लीज़ दुखी मत रहिए, रोइए मत, और अपने आप को दोष मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि इंसान जब गलती करता है तो क्यों करता है, ताकि वो उससे कुछ सीखे। तो आप लेसन लें और बस आगे बढ़ें। ठीक है, तो हील करें थोड़ा सा अपने आप को।
चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस आपके लिए। मेरे पास हैं आई लव यू ट्रूली एंड आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन। डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, रियलाइजेशन हो चुका है और आपके तरफ ही आना चाहते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं। माई पास्ट इशूज ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कॉन्ट गेट ओवर इट स्टिल नाउ। हो सकता है पहले इनकी फेल्ड मैरिज रही थी या इनके रिलेशनशिप्स खराब रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो है ना आपको भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया और पास्ट के अकॉर्डिंगली आपके साथ बिहेव किया। तो हो सकता है कि ये इंसान हील्ड नहीं है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बार बार आपके रिश्ते में आ जाती है। या हो सकता है कि आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो उनको विश्वास नहीं होता कि अगर वो किसी और के साथ भी शुरुआत करेंगे तो वो हैप्पी रह पाएंगे। आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू। डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मैं बता रही हूँ ना, हर एक एफर्ट्स डालकर आपको फील करवाना चाहते हैं कि इनके दिल में बहुत प्यार है और इनसे गलती हो गई और अब ये कभी उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। आई एम स्ट्रगलिंग टू अफोर अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो हो सकता है लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आप उस स्ट्रगल्स का हिस्सा बने, बट स्टिल देन आपका सपोर्ट, आपका साथ चाहते हैं ये इंसान। ओके सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम जरूर कीजिए, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें अपने एंजल्स को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। 4